जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। आज भी कई ऐसे तथ्य हैं जिनको मानव ठीक से जान नहीं पाया, और जिसको वो जान नहीं पाता उससे वो डरने लगता है। मित्रों, सुना रहा हूं नई कहानी, द डार्क हाउस। कुराबा शहर से दूर पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव था। पहले गांव लोगों से भरा था, पर अचानक यहां कुछ अजीब होने लगा, जिसकी वजह से लोग ये गांव छोड़ जाने लगे। यहां के लोगों का मानना था यहां हर रात कुछ अजीब दिखने वाले लोग पूरे गांव में घूमते हैं, जो लगभग हर किसी के घर जा उनकी खिड़कियों से अंदर झांकते हैं, पर सुबह होते ही वो वापस गायब हो जाते हैं। नील लगभग 10 साल बाद वापस अपने गांव कुराबा आए थे। ठीक 10 साल पहले उनके साथ यहां कुछ अजीब हुआ था, जिसकी वजह से वो रातों रात ये गांव छोड़ मुंबई चले गए थे। उनके साथ उनके मित्र मधुर भी आए थे। मधुर एक मशहूर लेखक थे और अपनी अगली सस्पेंस नावल लिख रहे थे। दोनों बस से उतर पैदल ही गांव के कच्चे रास्ते से नील के घर की ओर जा रहे थे। तेरा गांव तो सच में डरावना दिखता है भाई। चारों तरफ बर्फ और दूर दूर तक कोहरे से ढकी ये वादियां अपने आप में एक कहानी बयां कर रही हैं। पर तू ये गांव छोड़कर मुंबई गया क्यों? मधुर ने मजाकिया अंदाज में कहा। कुछ है यहां जो अजीब है। बाबूजी और अम्मा ने बहुत पहले ही मुझे ये जगह छोड़ देने के लिए कहा था, पर मैं ही नहीं माना। वैसे सब बातें छोड़, देख मैं तेरे कहने पर वापस आया हूं। तू जैसे ही अपनी कहानी पूरी करेगा हम वापस निकल जाएंगे, नील ने सहमे स्वर में कहा। हाँ हाँ भाई हाँ, थैंक यू। मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए थी अपनी नेक्स्ट नॉवल कंप्लीट करने के लिए। अब ये दोनों कच्चे रास्ते को छोड़ गांव की ओर बढ़े थे कि मधुर अचानक रुक गया। यार ये गांव से दूर ये खंडहर, ये किसका घर है? मधुर ने दूर दिख रहे एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा। नील ने बिना समय गंवाए मधुर का हाथ खींच उसको आगे बढ़ने के लिए कहा। उसकी तरह बिल्कुल मत देखना, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। इतना कह नील मधुर को ले अपने घर की ओर निकल गया। मधुर को कुछ समझ नहीं आया। नील जब घर पहुंचा तो सीलू उन दोनों का इंतजार कर रहा था। इनसे मिलो, यह मेरे बचपन के फ्रेंड सीलू, नील ने सीलू को गले से लगाते हुए कहा। यही मेरे घर और खेतों की देखरेख करते हैं। हेलो सीलू, मधुर ने सीलू से हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, और नील आज भी रात को कोई गांव में लाइट या लैंप नहीं चलाता, भूल कर भी रोशनी मत करना। इतना कह सीलू वहां से चला गया। मधुर को कुछ समझ नहीं आया। यार कैसा सीक्रेट वाला गांव है, पहले तू उस घर के सामने से बिना कुछ बोले खींच लाया, और फिर तेरा दोस्त बोल रहा है कि रात को रोशनी मत करना, आखिर चक्कर क्या है? अरे भाई पहले कुछ खा लें, आराम कर लें, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। देर रात जब दोनों ने अपना बिस्तर पकड़ लिया तो मधुर ने पूछा, भाई क्या है उस घर का रहस्य? कहते हैं वो घर शापित है, उसकी वजह से पूरे गांव में दहशत है। लोगों का तो ये भी कहना है देर रात उस घर से कुछ अजीब से लोग बाहर निकलते हैं और पूरे गांव में घूमते हैं। जिन्होंने भी उनको देखा है वो कहते हैं वो दैत्य की तरह दिखते हैं। मतलब? मधुर ने पूछा। मतलब ये कि वो हमारी तरह नहीं दिखते, उनका बड़ा सा सर है, वो खड़े होकर नहीं बल्कि झुककर चलते हैं, उनके हाथ और पांव में बड़े बड़े नाखून हैं, और वो अजीब सी आवाज में बातें करते हैं। अच्छा तो तुम वे सफा के कारण गांव छोड़कर चल दिए? मधुर ने कहा। नहीं, मैंने खुद उनमें से एक को करीब से देखा है, नील ने कहा। यह बात सुनते ही मधुर कुछ देर के लिए चुप हो गया, मानो नील की उस आवाज में छुपी सच्चाई मधुर को छू गई हो। न जाने कब बातें करते करते वो दोनों सो गए। बीच रात लगभग 1 बजे मधुर की नींद अचानक खुल गई। शायद उसे प्यास लगी थी। वो किचन की ओर बढ़ वहां लाइट जला पानी पीने लगा। पानी पी वो अभी वापस मुड़ता उसकी चीख निकल गई। सामने खिड़की पर एक काली परछाई उसकी ओर देख रही थी, मानो एक विशालकाय व्यक्ति बड़ा काला कम्बल ओढ़ अपनी चमकती लाल आंखों से उसकी ओर देख रहा हो। वो बार बार अजीब सी आवाज में कुछ बोल रहा था।
तभी नील ने भागते हुए वहां किचन की लाइट बंद कर दी और मधुर के मुंह पर हाथ रख उसे चुप रहने का इशारा किया। धीरे धीरे नील मधुर को नीचे की ओर झुका कमरे में ले आया। भारी सांस लेते हुए मधुर ने पूछा, वो क्या था? सीलू ने कहा था ना यहां रात को कोई लाइट मत जलाना, पर वो था कौन? पसीने से तरबतर मधुर ने दीवार का सहारा लेते हुए कहा, वही अनजान लोग जो अंधेरी रात में इस पूरे गांव में घूमते हैं। मधुर को यह सब कुछ अजीब लग रहा था। किसी तरह उसने वो काली रात काट ली। अगली सुबह मधुर और नील गांव घूमने निकल गए। यार, हर घर के आगे काला कपड़ा क्यों लगा है? मधुर ने पूछा। उन्हीं काली आत्माओं के लिए, ताकि वो उनके घर से दूर रहें। इस काले कपड़े में वो कपूर जला कर रखते हैं, जिसकी वजह से वो देर तक इनके घर के आगे नहीं रुकते, नील ने कहा। तभी मधुर गांव के कुछ लोगों को देख बचक्का रह गया। उसके सामने कुछ लोग अपना सर नोचते हुए जा रहे थे, तो कुछ लोग अपनी उंगलियां अपने दांतों के नीचे दबाकर, उसको बस कुछ ही लोग सामान्य दिख रहे थे। ये क्या, लोग अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मधुर ने हैरानी में पूछा। इस गांव में आधे से ज्यादा लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्हें सच और झूठ समझ नहीं आता। ये सब उस डार्क हाउस की वजह से है। उसे हर रोज अजीब सी आवाजें आती हैं जो लोगों के कानों में साफ सुनाई देती हैं। शायद वो हर व्यक्ति पर अपना एक अलग प्रभाव छोड़ जाती हैं, नील ने कहा। क्या हम उस डार्क हाउस चल सकते हैं? मधुर ने कहा। नहीं, वहां गांव के लोग नहीं जाते, नील ने कहा। पर यह मेरी कहानी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हम उसे दूर से ही देख लेंगे, मधुर ने जब बहुत जोर दिया तो नील मान गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां पहुंच गए। देखने वाली बात यह थी कि दिन में भी उस घर के चारों ओर अंधेरा सा था। घर के ठीक पीछे एक झील थी जिसके ऊपर धुएं जैसा सफेद कोहरा छाया हुआ था। ना तो वहां किसी पक्षी की आवाज थी और ना ही किसी जानवर की। घने सन्नाटे को तोड़ते हुए मधुर ने कहा, यह घर यहां कब से है? पता नहीं, गांव के लोगों का कहना है जब से ये गांव है शायद वो इसे तब से ही देख रहे हैं। अभी उनकी बात चली रही थी कि बर्फबारी शुरू हो गई। छोटी छोटी बर्फ जैसे जैसे मधुर और नील के ऊपर आ रही थी, वैसे वैसे चारों ओर अंधेरा गहराता जा रहा था। कोहरा बढ़ने लगा और कुछ ही पल में उन्हें पास की चीजें भी दिखनी बंद हो गई। मधुर और नील एक दूसरे का हाथ पकड़े किसी तरह वापस आने लगे। अभी वो कुछ कदम चले ही थे कि उनके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मानो उनको कोई उस घर की ओर बुला रहा हो। मधुर तो मानो उस आवाज की ओर खींचने लगा, पर नील अपना होश संभाल खुद को और मधुर को गांव की ओर ले आया। दोनों कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। दोनों जब घर वापस पहुंचे तो नील ने तुरंत लकड़ियां जला ली, मानो अभी भी उनके अंदर कोई बैठा उनसे बातें कर रहा था। कुछ देर थोड़ी गर्माहट पाने के बाद जब मधुर ने पूछा, आखिर इसका राज क्या है? तब नील ने कहा, कोई नहीं जानता, हम सब इसे बचपन से ही देख रहे हैं। वो घर तो हमें हमेशा से वीरान दिखा। तभी बाहर लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। जब दोनों बाहर निकले तो पता लगा डार्क हाउस एक तेज रोशनी से जल उठा है। दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। वो हाउस जो डार्क था, जिसमें आज तक किसी ने कोई रोशनी नहीं देखी, आज उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकल रही थी, मानो किसी ने उसके अंदर लगभग 1000 ट्यूबलाइट्स जला दी हों। उस रात में उस घर से निकलती रोशनी पूरे गांव को रोशन कर रही थी। पूरा गांव आश्चर्य में उस घर के आगे खड़ा बस निहार रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी तेज रोशनी उस घर से आ कैसे रही थी। बच्चे भी उस रोशनी को देख वहां खेलने लगे। उस घर के बाहर मानो पिकनिक सा माहौल बन गया। सब एक दूसरे के साथ वहां ठंड का मजा लेने लगे। पर मधुर तो वहां था ही नहीं। नील पलटा तो देखा मधुर उस घर की ओर बढ़ रहा था। नील ने मधुर को आवाज लगाई, पर मधुर वो तो मानो सुन ही नहीं पा रहा था। और अभी नील उसको रोक पाता, मधुर उस घर के अंदर जा चुका था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब मधुर वापस नहीं आया तो नील वापस घर चला आया। पूरा गांव भी नजारा देख धीरे धीरे वहां से चला गया। अगली सुबह जब नील डार्क हाउस पहुंचा तो पूरे गांव को वहां देख हैरानी में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो उस घर के बाहर पहुंचा, वो कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। वो घर
वो गायब हो चुका था। वो डार्क हाउस जो सालों से खंडहर बना हुआ टिका था, वो एकदम से आंखों से ओझल हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा का पूरा घर कैसे गायब हो सकता है। नील को मधुर की फिक्र होने लगी। वो अफरा तफरी में इधर उधर मधुर को खोजने लगा, पर वो नहीं मिला। जब नील इस रहस्य को नहीं जान पाया तो उसने मशहूर डिटेक्टिव बुमरा को फोन लगा ही लिया। क्या डिटेक्टिव बुमरा उस डार्क हाउस के बारे में जान पाएंगे? क्या वो मधुर का पता लगा पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी अगले भाग में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सुनते रहें कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज को सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को राय सुधांशु 39 से सब्सक्राइब कर सकते हैं।